सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तु ते। बहनों, हमें इसी मंत्र को बोलते हुए ही हरतालिका तेज व्रत में गौरी माता से सुहाग लेना चाहिए। कभी भी मौन रह करके या किसी से बातचीत करते हुए सुहाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस पूरे व्रत का सार यही विधि तो है। हम इतनी मेहनत करके निर्जला निराहार व्रत कठिन तपस्या इसी विधि को करने के लिए तो करते हैं, ताकि गौरी माता से प्रसाद स्वरूप, उनका आशीर्वाद स्वरूप सुहाग धारण कर सकें, ताकि हमारे पति की आयु लंबी हो। तो ये व्रत की सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है, जो कि मैं आज बताने जा रही हूँ कि सुहाग लेने की सही विधि क्या होती है। तो हमें गौरी माता को सिंदूर किस उंगली से और कितनी बार लगाकर अपने माथे पे लगाना चाहिए, क्योंकि एक बार हमने अपने माथे पे सिंदूर लगा लिया तो वो जूठा हो गया उंगली का सिंदूर, दोबारा गौरी माता को नहीं लगाया जा सकता। तो क्या सावधानी रखनी है, जिनके पास सिंदूर दान नहीं है तो वो कैसे सुहाग लेंगी, कैसे व्रत करेंगी, इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ गौरी माता का प्रसाद स्वरूप चीर अपने आंचल में बांधा जाता है, जिसे चीर बांधने की विधि कहते हैं, वो कैसे करना है, और चीर बांधने के बाद जब पूजा हो जाती है उसे छोड़कर कहाँ रखना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद है तो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो उसे क्या करना है, इस बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए छोटी सी छोटी बातों को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। सुहाग लेने से पहले पूजा क्या करनी होती है ये भी जान लीजिए, ताकि कोई भी गलती ना हो। अगर आप रात्रि का जागरण नहीं कर रहे हैं तो रात्रि में ही सुहाग लेने के लिए सबसे पहले जब आप आरती करते हैं उसके बाद क्षमा याचना कर लीजिए। क्षमा याचना के बाद हाथों में फूल लेकर के पुष्पांजलि अर्पित करिए और फिर बार बार प्रणाम करते हुए गौरी शंकर से अपनी मनोकामना कहिए। अब सुहाग लेने के लिए गौरी माता को अनामिका उंगली से जो है सिंदूर लगाना है। कौन सा सिंदूर लगाना है, या तो पूजा वाला सिंदूर लगाइए या फिर बाजार से एकदम नया सिंदूर खरीद के लाना है। जैसा हनुमान जी का रंग होता है ना, वही पवित्र शुद्ध सिंदूर होता है, उसे ही लगाएं, ठीक है। और जैसे कई महिलाओं का प्रश्न होता है कि जो हमें शादी में सिंहोरा मिलता है, जिसे हम सिंदूर दान कहते हैं, क्या उससे भी गौरी माता को सिंदूर लगा सकते हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। जो शादी वाला सिंहोरा होता है, सिंदूर दान होता है, उससे हम कभी ना कभी तो सिंदूर लगाते ही हैं, तो वो हमारा जूठा लगाया हुआ सिंदूर हो गया, ठीक है ना कभी तो लगाया ही जाता है सिंदूर दान से, तो हमारा जूठा लगा हुआ सिंदूर गौरी माता को नहीं लगाया जा सकता, एकदम फ्रेश नया सिंदूर लगाना है। और अगर अनामिका उंगली से लगाते हैं तो वही आप जूठा सिंदूर अपने सिंदूर दान में डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि कई महिलाओं का प्रश्न है कि बिना सिंदूर दान के क्या हम व्रत नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं कि जो हम अपने लिए स्वयं से खरीदते हैं या फिर ससुराल से जो हमें कोई भी दिया जाए, पीतल का आप खरीद लीजिए, रह रहे हैं तो जिससे भी आप सिंदूर रोज लगाती हूँ आप उसमें गौरी माता का लिया हुआ प्रसाद सिंदूर डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इस दिन खास जो है आंचल से ही सिंदूर लगा करके अपने माथे पे लगाना चाहिए, ठीक है। आंचल से क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अगर हम अनामिका उंगली से लगाएंगे बार बार, क्योंकि तीन बार इस दिन लगाया जाता है, तीज का त्यौहार है और भगवान को विषम चीजें अर्पित करी जाती हैं, तो हम तीन बार जो है सुहाग लेने की विधि करेंगे। कैसे करना है, पहली बार आंचल में सिंदूर लगा करके गौरी माता को लगाना है, वही उनको लगाया हुआ जूठा सिंदूर अपने माथे पे लगा लेना है। दूसरी बार ध्यान दीजिएगा, अपने आंचल का दूसरा कोना पकड़ना है, क्योंकि पहली बार का तो जूठा हो गया, ठीक है, तो दूसरा कोना जहां पे सिंदूर ना लगा हो उसको पकड़िए, फिर गौरी माता को लगाइए, फिर वही लगाया हुआ अपने माथे पे लगा लीजिए, फिर और तीसरी बार भी थोड़ा सा पल्लू का छोर खिसका करके गौरी माता को सिंदूर लगाया हुआ अपने माथे पे धारण कर लीजिए। या तो आपने जो नई साड़ी पहनी है उसका पल्लू से आप सिंदूर लगाइए, या फिर शादी की चुनरी से लगाइए, जैसी भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। और एक और खास विधि आप कर सकते हैं, अगर शादी का सिंहोरा है ही आपके पास में, तो उसे आंचल पर रखिए, थोड़ा सा खोल करके माँ से आशीर्वाद मांगिए थोड़ी देर। जैसे कि आंचल पे क्यों रखा जाता है, कि हम आंचल पसार करके माँ आपसे मांग रहे हैं कि हमारे पति की आयु लंबी हो, सौभाग्य में हमेशा वृद्धि होती रहे, तो ये जो है भावना होती है आंचल फैलाने की। और अब चूड़ी भी पहननी होती है, तो जो आपने एक दर्जन चूड़ी अगर अर्पित करी हो एक डिब्बा,
उससे दो चूड़ियां निकालिए, गौरी माता को स्पर्श कराइए और एक एक चूड़ी अपने हाथों में पहन लीजिए। बाकी चूड़ियां ब्राह्मणी को दान करनी होती है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप दो डिब्बा चूड़ियां गौरी माता को अर्पित कर सकते हैं। एक डिब्बा चूड़ी पूरी आप अपने प्रसाद स्वरूप मतलब रख सकते हैं, दूसरी डिब्बा चूड़ी ब्राह्मणी को दान करना ही करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम जो भगवान को अर्पित कर देते हैं वो समर्पित हो गया समझो, इसलिए प्रसाद केवल प्रसाद स्वरूप ही थोड़ा सा लिया जाता है, पूरा नहीं रखा जाता, इसलिए दान करने की भावना यहाँ पे होती है। थोड़ा सा आप मेहंदी लगा सकते हैं, बिंदी जो आपने अर्पित करी है माता के माथे पे स्पर्श करा के अपने माथे पे लगा लीजिए, बाकी सारा चीज़ ये दान के लिए चला जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हो गई। अब चीर बांधने की खास विधि करनी होती है। जो हमने माता को वस्त्र अर्पित किया होता है या फिर किसी ने मौली धागा अगर अर्पित किया हो तो उसे आप अपने साड़ी के पल्लू में बांध लीजिए, ठीक है, या फिर आप शादी की चुन्नी में जो है बांध लीजिए, हमेशा बंधा रहेगा। जब छोड़ने की बारी आती है, कभी अब ऐसा भी होता है साड़ी हम धो रहे हैं छोड़ना पड़ रहा है, तो क्या करें इस चीर को, क्योंकि ये तो प्रसाद है इसे ऐसे ही नहीं फेंका जा सकता है, तो आप इसे हमेशा रखे रहिए अपनी अलमारी में, एक पॉलीथिन बना लीजिए। कितने साल आपने हरतालिका तीज के व्रत कर लिए उतने चीर जो है आप रखे रहिए। देखिए हम दीपावली के चांदी के सिक्के रखे ही ना रहते हैं, तो ये तो सौभाग्य मतलब चांदी सोने से भी बढ़कर है, है ना, तो इसे भी आप रखे रहिए हमेशा, जिंदगी भर रखे रहिए, फिर क्या होगा जिंदगी के बाद उसका पता नहीं, ठीक है। तो सुहाग और आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ पर पूजा विधियाँ संपूर्ण होती हैं। फिर इसके बाद विदा विसर्जन की विधि कर देनी चाहिए। भगवान को विदा करने के बाद जिस आसन पर बैठकर आप पूजा कर रहे थे उसमें उठने से पहले ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे पूजा की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अगर यूं ही उठ के चले गए तो पूजा का आधा फल व्यर्थ हो जाता है। काम्य फलों की पूजा में खास विधि यानी कि आसन को पीछे खिसकाकर आसन के नीचे का जल माथे पर लगाया जाता है, तो इस विधि को जरूर करिएगा। मैंने स्क्रीन पे दूसरे वीडियो में दिखाया पूजा वाले में, तो देख लीजिएगा। अब जो महिलाएं पूरी रात्रि का जागरण करती हैं वो सुबह सुहाग लेने से पहले कौन कौन सी पूजा विधि करेंगी, तो 4-5 बजे के बाद स्नान करने के बाद जो है आसन पर बैठकर आचमन कर लें, फिर पूरी पूजा कर लें, या फिर पंचोपचार से यानी चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, भोग लगाने के बाद हवन करें, आरती करनी चाहिए और फिर क्षमा याचना करके पुष्पांजलि करते हुए अपनी मनोकामना कहिए, बार बार प्रणाम करने के बाद सुहाग लेने की विधि करनी होती है, और फिर विसर्जन विधि इत्यादि करने के बाद फिर पारण करना चाहिए। खीरा खा करके पारण से पहले सीधा निकाला जाता है, तो इन सभी विधियों के अलग वीडियो दूंगी, कैसे विदा विसर्जन, कैसे पारण, कैसे सीधा निकाला जाता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और मैंने कई वीडियो दिए हैं, स्क्रीन पे पूजा दिखाते हुए उसी में व्रत कथा सुनाई है, तो पूजा देखते हुए व्रत कथा सुनने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एक बार चैनल पर आकर के सभी वीडियो जरूर देखिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।